उत्तराखंड में बीते कुछ दिनों में कोरोना संक्रमण के मामले कम हुए हैं। बीते 24 घंटे के अंदर प्रदेश में 449 नए संक्रमित मिले हैं। इसके साथ ही साथ अब कुल संक्रमितों की संख्या 90,616 पहुंच गई है। वहीं यूके से उत्तराखंड लौटा एक और व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मिला है। संक्रमित मरीज टिहरी का रहने वाला है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार बुधवार को 14,634 सैंपलों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। वहीं देहरादून जिले में सबसे अधिक 157 और नैनीताल में 108 संक्रमित मिले। उत्तरकाशी में 14, बागेश्वर में 8, पिथौरागढ़ में 38, हरिद्वार में 38, पौड़ी में 9, टिहरी में 8, चंपावत में 11, उधम सिंह नगर में 22, अल्मोड़ा में 17, चमोली में 11, रुद्रप्रयाग में 8 संक्रमित मरीज मिले हैं। उत्तराखंड में 24 घंटे में 449 नए संक्रमित मिले। कुल संक्रमितों की संख्या 90,616। 24 घंटे में कोरोना से 9 मरीजों की मौत। देहरादून जिले में सबसे अधिक 157 नए मरीज मिले हैं और बागेश्वर में आज कोरोना केसेस हैं, पिथौरागढ़ में 38 है। तो लगातार ऐसे ही संक्रमितों की संख्या में इजाफा हो रहा है, लेकिन बेहद धीमी गति से। मौत के आंकड़े में भी लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड में 24 घंटे में 449 नए संक्रमित मिले हैं। तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सुभाष जुड़े हुए हमारे साथ। सुभाष, फिलहाल अगर हम बात करें तो इस बढ़ती ठंड में एक तरफ जहां आम जनता की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है, तो वही दूसरी ओर इस महामारी की वजह से भी अब आम जनता की जो मुश्किलें हैं वो कम होती हुई दिखाई दे रही, क्योंकि अब संक्रमितों की संख्या में इजाफा तो हो रहा है लेकिन बेहद धीमी गति से। जी बिल्कुल, लगातार जिस तरीके से कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा शुरुआती दौर में उत्तराखंड में देखा गया, हालांकि वो दौर अब देखा नहीं जा रहा, बेहद कम संख्या में पॉजिटिव मरीज सामने आ रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके और रोजाना लगभग 300-400 मरीज जिस तरीके से पाए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी जरूर चिंता व्यक्त करने वाली बात है कि कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा आखिरकार इस स्थिति में भी क्यों बढ़ता हुआ जा रहा है, जब पूरी तरीके से सरकार और प्रशासन कह रहा है कि हमने जो सैंपल्स है बहुत तेजी से टेस्ट करने के लिए दिए हैं, सभी लैबों को अनुमति दी है, उसके बावजूद भी लगातार अगर मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं चिंता बढ़ती हुई जरूर नजर आ सकती है। लेकिन बड़ी चीज ये है कि सबसे ज्यादा जो मरीज हैं वो राजधानी देहरादून में मिल रहे हैं, क्योंकि यही जो मार्केट है पूरी तरीके से खुलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये भी उठता है कि राजधानी देहरादून में सभी विधायक, मंत्री, अधिकारी मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद भी राजधानी देहरादून में जो कोरोना संक्रमित मरीजों के आंकड़े हैं उनमें कमी नहीं आ रही है। तो कहा जा सकता है कि प्रशासन की जरूर यहाँ लापरवाही नजर आ रही है कि राजधानी में भी लगातार मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं जो मार्केट रविवार को बंद किए जा रहे हैं उसके बाद भी राजधानी देहरादून का जो आंकड़ा है वो घटने का नाम नहीं ले रहा है। तो ऐसे में चिंताएं जरूर राजधानी देहरादून को देखते हुए बढ़ सकती है, लेकिन जिस तरीके से लगातार प्रदेश में मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है और 90,000 के पार ये पूरा आंकड़ा अभी तक पहुंच चुका है, तो कहीं ना कहीं एक छोटा प्रदेश उत्तराखंड में भी कोरोना संक्रमित मरीजों के आंकड़े इतने तेजी से बढ़ना जरूर एक बड़ी बात सामने आती है इसके। हालांकि ये देखा जा रहा है कि कोरोना के बाद जो अस्पताल है उनमें बहुत कम संख्या में लोग भर्ती हो रहे हैं, खास तौर से अपने घर में ही आइसोलेट होकर वो ठीक होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है और स्थिति प्रदेश में अलग से होती हुई जा रही है कोरोना के साथ, तो ऐसे में कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन को अब जरूरत है कि कोई नई नीति कोरोना को लेकर बनाए, क्योंकि लोग जो है वो अपने घरों से बिना मास्क के निकल रहे हैं, सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए नजर नहीं आ रहे, और ऐसे में कई बार लोगों के चालान होने के बाद भी लोगों को समझाना जिला प्रशासन के और प्रशासन के लिए मुश्किल होता हुआ जा रहा है कि सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए लोग अभी भी दिख नहीं रहे हैं। जी ठीक है सुभाष, लगातार बने रहिए हमारे साथ। सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी धर्मेंद्र, लगातार बने हुए हैं। धर्मेंद्र, जिस तरीके से लगातार तस्वीरें हम देख पाते हैं, लगातार जांच की जा रही है, टेस्टिंग को लेकर पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन ऐसे में एक नया कोरोना जो स्ट्रेन है वो सामने आ चुका है, लेकिन इस बीच में अगर हम बात करें तो संक्रमितों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है लेकिन बीती धीमी गति से। बिल्कुल, देखिए अगर हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार में काफ़ी जो अब आंकड़ा है कोरोना संक्रमितों का वो कम हुआ है, और अभी अगर बात करी जाए तो 38 यहाँ पर कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब कल की अगर बात करें तो नववर्ष का आगमन कल से होने जा रहा है और कल जो कुंभ मेले का वर्ष है उसकी भी शुरुआत होने जा रही है,
और जो पहला स्नान होगा वो 14 मकर संक्रांति का यहाँ पर 14 जनवरी का स्नान होगा और बड़ी संख्या में ये भी माना जा रहा है कि लोग श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचेंगे और स्नान करने के लिए यहाँ पर गंगा स्नान करेंगे। तो ऐसे में बहुत बड़ी चुनौती है कि कोरोना के साय में कुंभ मेले को यहाँ पर सकुशल संपन्न कराना है और इसे लेकर मेला प्रशासन भी यहाँ पर चिंतित है। कल एक बड़ी बैठक यहाँ पर की गई है और अभी विचार किया जा रहा है कि जो आने वाले श्रद्धालु हैं जो कुंभ मेले में आएंगे, जो गंगा स्नान करने के लिए यहाँ पर पहुंचेंगे, कि उनका रजिस्ट्रेशन भी कराया जाए। अभी इस पर भी विचार चल रहा है, लेकिन बड़ी चुनौती चूंकि कुंभ मेला हरिद्वार में होने जा रहा है तो ये अपने आप में कोरोना के समय में मेला होगा तो ये बड़ी चुनौती यहाँ के मेला प्रशासन के लिए रहने वाली है। ठीक है बिल्कुल। ऐसे में अगर हम बात करें तो अब क्या कुछ विकल्प बचा है, क्योंकि लगातार टेस्टिंग हो रही है और टेस्टिंग की मात्रा जब लगातार बढ़ती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है तो संक्रमितों की संख्या में भी लगातार बढ़ोतरी होनी चाहिए, लेकिन अब उसमें कमी देखने को मिल रही है। देखिए, विकल्प के तौर की बात की जाए तो कुंभ मेले में 1000 बेड का एक कोविड हॉस्पिटल यहाँ पर बनाया जा रहा है। उसके अलावा कई यहाँ पर धर्मशालाएं आश्रम हैं, उनके संचालकों से बात की जा रही है और उनके अधिग्रहण करने पे मेला प्रशासन विचार कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो शहर के लोग हैं, जो आने वाले श्रद्धालु हैं, वो बिल्कुल बेफिक्र इस कोरोना से दिखाई दे रहे हैं, मास्क का उपयोग कम कर रहे हैं और जो सख्ती होनी चाहिए, जो जागरूकता होनी चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं कमी दिखाई दे रही है। जब तक हम जागरूक नहीं होंगे सरकार द्वारा की जा रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।